जिंदाबाद डीपीएपी बद्रवा जिंदाबाद डीपीएपी बद्रवा जिंदाबाद साहब साहब जिंदाबाद। यहाँ पर आए हुए वार्ड नंबर एक के बाशऊर लोगों को मेरी तरफ से आदाब सलाम और सत श्री अकाल। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन साबका वज़ीर आला जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की डायरेक्शन से हम लोग आज बद्रवा म्यूनसिपल लिमिट वार्ड नंबर एक में आए हैं। मेरे साथ जावेद साहब आज़ाद, अशरफ साहब गौनी, मैडम निगत चौधरी जी, जाफर साहब, सलीम साहब गनाई मौजूद हैं। हम सब लोग वार्ड नंबर एक के बाशऊर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सब ने मिलजुल के यहाँ इस वार्ड से हमारी पार्टी के लिए मुंतखब नाम एक ही चुन के दिया, वो यासर हुसैन जी का है। इसलिए तमाम पार्टी की राय और मशोरे से मैं बहैसियत ब्लॉक प्रेसिडेंट बद्रवा डीपीएपी ये ऐलान करता हूँ कि यासर हुसैन जी वार्ड नंबर एक से बद्रवा म्यूनसिपलिटी काउंसलर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पार्टी की तरफ से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ बद्रवा की आवाम से हमारी पुरजोर अपील है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड से हैं, 13 के 13 कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, क्योंकि ये कामयाबी हमारे कैंडिडेट की नहीं होगी बल्कि पूरे बद्रवा की कामयाबी होगी। शुक्रिया। हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं यासर साहब को, इसलिए क्योंकि ये चलदा पुरजा आदमी है, एक्टिव आदमी है, हर एक का काम करेगा, मेले का काम करेगा, इसलिए हमें उम्मीद है इससे। बहुत सी तवाकात है, बहुत मुश्किल है और बहुत सी मुश्किलात हैं, उनका हल करना, उनका चारादेही करना आपका काम। बहुत काम आने वाला आदमी है, बोलने चालने में भी, और किसी की कोई मुसीबत हो हर जगह ये लड़का आगे निकलता है सबके लिए। हमने इसकी यही एक खूबी देखी तो हमने बोला भाई, परसों ये आया कहता है ऐसे ऐसे बात है, मैंने कहा जी आप खड़े हो जाओ, हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके साथ हैं। डीपीएपी की तरफ से मेरी तरफ से सबों को बधाई हो। नासर साहब, यासर साहब, ये जो कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, ये होनार लड़का है और हर एक का काम करने वाला लड़का है, क्योंकि इसमें इतनी खूबी है लड़के में कि ये काम हर एक का कर सके। तो इससे हमें वार्ड नंबर एक को बहुत ही उम्मीदें हैं। शुक्रिया।